शुक्ल पक्ष द्वादशी शुक्रवार का पंचांग, तपोस शुक्ल पक्ष द्वादशी शुक्रवार का पंचांग हो गया, 14 जनवरी हो जाएगा। तो दिन माना आपको 26 घंटे 25 पल हो गया, 10.5 घंटा से तपेगा और शुक्रवार आपको 24 घंटा रहेगा। द्वादशी तिथि का मान दिन में रात 10:23 तक रहेगा, उसके बाद त्रयोदशी आ जाता है। रोहिणी नक्षत्र आपको 35 घंटे 4 पर अर्थात रात के 8:45 तक रहेगा। उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र आ जाएगा, शुक्ल योग होगा, तो शुक्ल योग भी बहुत अच्छा योग होता है। और शिवास भी आज आपको बन रहा है, आपको मित्र योगा हो जाएगा, तो मित्र योगा में मित्रता करने के लिए बहुत अच्छा रहता है। 24 घंटा का आज है, 14 जनवरी हो गया अंग्रेजी से, चतुर्दश 26 खडविंशति फसली हो गया तारीख, सूर्य के अनुसार दिनांक आपको हो जाएगा 29 राष्ट्रीय 24 24 संस्कृत में कहेंगे। वृक राशि के चंद्रमा आपको 24 घंटा रह जाएगा, अर्थात चंद्रमा आपको दक्षिण दिशा रहेगा, तो दक्षिण और पूर्व की यात्रा आपको शुभ रहेगा। और दिशा शुल भी आपको नहीं है, शुक्रवार है। 6:43 पर सूर्योदय होगा और 5:17 पर सूर्यास्त हो जाएगा। आज कूर्म द्वादशी है, माने भगवान विष्णु का प्रथम अवतार जो हुआ कूर्म अवतार, कछुआ कच्छप अवतार, आज ही के दिन हुआ। शुक्र बालत्व निवृत्ति दीवा 1:50 बाद है ना, माने शुक्र ग्रह उदय हुआ, उदय होने के बाद 3 दिन लगभग ग्रह जो है सो बच्चा में गिनती होता है, शिशु में कैश बालक, तो बालक से अब जुआ में हो जाएंगे। और आज आपको संक्रांति मकर राशि रवि रात के 8:34 पर, नहीं आज रात के 8:30 के बाद 8:34 के बाद आपको सूर्य जो है सो मकर राशि पर आ जाएंगे। मुहूर्त 45 हुआ और विधति समृा तारकम पर दिने पुण्य काल परा 20 व 40 घंटे पुण्य, माने कितना पुण्य पाप होगा इसके विषय में निर्णय किया कि अगला 1 महीना पुण्य अधिक होगा। और जो हम लोग मकर संक्रांति जो बनाते हैं तो शाम के रात में आने के कारण अगला दिन 15 जनवरी को होगा, जिस समय आता है उसे 6 घंटा पहले आपको ले सकते हैं, अर्थात दिन में 2 बजे से स्नान दान का महत्व का समय आ जाता है। लेकिन स्नान दान हम लोग प्रातः काल करते हैं, सुबह करते हैं, इसीलिए आज आपको मकर संक्रांति 14 जनवरी को न हो करके 15 जनवरी कल होगा। पर दौर से वार्ध रात्रे वा स्नान दान परे हनी उत्तरायण रवि, आज से सूर्य जो है सो उत्तरायण हो जाएंगे, उत्तर दिशा की ओर माने बढ़ना शुरू करेंगे। निरेन सौम्यायनम शिशि ऋतु प्रारंभ हो जाएगा और खरमास भी समाप्त हो जाएगा। पोंगल दक्षिण भारत में मनाया जाता है, खिचड़ी वगैरह लोग खाते हैं पोंगल दक्षिण भारत में, और बिट्टू असम में, अर्थात माने कि वही मकर संक्रांति सक्रांति तो कहते हैं वही रहेगा, लेकिन अलग अलग क्षेत्र में थोड़ा सा मनाने का ढंग तरीका बदल जाता है, खाने पीने का रीति रिवाज थोड़ा सा फर्क होता है, भाषा चेंज होता है, तो उनका नाम भी थोड़ा सा अंतर हो जाता है। देवा नाम दिनम मैं देवताओं का दिन आज से प्रारंभ हो गया, दैत्या नाम च रात्रि प्रारंभ मैं दैत्यों का राक्षसों का रात शुरू हो जाता है। जमघंत योग है आपको 35 घंटे 4 पल माने रात्रि 8:45 तक जमघंत रहेगा, तो जमघंत में दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। तो देवता का उल्टा राक्षस लोग का चलता है, जब देवता का दिन होता है तो राक्षस लोग का रात होता है। तो मेरा कार्यक्रम आपको जो अच्छा लगा होगा लाइक कर दीजिए, दोस्तों को दिखाने के शेयर करिए, हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करिए, नीचे SVB है उसको छू करके रंग चेंज कर दीजिए, उसका घंटी बजा दीजिए।